सबसे बेकार और सबसे लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना गंदा ट्रिप रहा था। नेपाल में फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा रहा, कांड हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया। 8 बजे गाड़ी ने पहुंचना था पोखरा, मैं कल शाम 5-5 बजे से बैठा हूँ। यार मेरे साथ ये हुआ, थोड़ा पहले तो मैं गाड़ी पे आया तो गाड़ी स्पीड में चली, तो इसलिए मेरा माइक का आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो यार मैं जब चारअली से पोखरा के लिए बैठा तो मेरे को उसी टाइम तुरंत गाड़ी मिलेगी, तो मैं जल्दी बाजे में बैठ गया क्योंकि उन्होंने बोला सुबह 8-9 बजे तक पहुँच जाएगी। और क्या हुआ उसके बाद मेरे साथ, कैसा मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा, आप ये पूरी वीडियो देखो और आप लोगों को पता लग जाएगा जो कि आपके साथ ना होकर। ये सीट हम नीचे कर सकते हैं, मतलब इसमें हम रात को आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, और कुछ ऐसा है और नीचे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो कुछ ऐसा है। और गाड़ी पहुँचेगी मॉर्निंग में, 8 से 9 बजे पहुँचेगी मॉर्निंग में उधर पोखरा में। तो मुझे पहले एक हॉस्टल बुक करना पड़ेगा एडवांस में, और मैं पहुँचूँगा तो पहले मैं हॉस्टल में जाऊँगा और उसके बाद में सीधा निकलूँगा, 1-2 घंटा रेस्ट करके सीधा निकलूँगा एक्सप्लोर करने। तो आप लोगों को बताऊँगा मैं किधर जाऊँगा, और सबसे पहले आप लोगों को बता दें यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो कुछ लिखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट में लिखे। हमारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा आगे रहेगा और हर चीज़ का जवाब देगा। तो देखिए कुछ इस तरह की ये गाड़ी है, और ये देख सकते हो पीछे सीट यहाँ पे, और ये आगे हो गया ड्राइवर का साइड, और यहाँ से देखिए बाहर का नज़ारा। तो गाइस इसका किराया पड़ा है मेरे जो नेपाली करेंसी में है वो 2100 बोल रहे थे, पर मैंने बोला यार 2100 बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मेरे को एक बंदे ने बोला 1000 पड़ेगा यहाँ से पोखरा। तो यार फिर पता किया तो 1000 तो कहीं है ही नहीं, और वो 2100 बोल रहा वो बंदे ने तेरे को झूठ बोला होगा या मजाक किया होगा बोला, तो 2100 बोल रहा था। तो मैंने उसको 1800 तक बोला, मैंने 1800 में अगर जाऊँगा तो चलो, क्योंकि उनकी गाड़ी अभी खाली थी। उन्होंने बोला चलो ठीक है जल्दी कर लेंगे, मैंने तो टिकट काट लिया और 1800 पे किया। और दे सकते हैं मेरा टिकट है चारअली टू पोखरा का, और कुछ ऐसा टिकट है इधर का गाड़ी का टिकट। सो गाइस कहानी यहाँ से शुरू होती है अपनी बैड एक्सपीरियंस की। तो जब इन्होंने यहाँ पे सुअर लाए और ये बोरी पे पैक करके इन्होंने ऊपर छत पे डाल दिए, तो उसके बाद क्या होता है आगे देखो। सो गाइस मैं पहुँच गया हूँ भरतपुर चितौंग बस स्टैंड में, जो कि नेपाल की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है। पॉपुलेशन बोले तो इधर की 3,47,000 समथिंग है। और अभी यहाँ से पोखरा के लिए अभी 4 घंटा लगेगा गाड़ी जाने के लिए। कांड हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया। 8 बजे गाड़ी ने पहुंचना था पोखरा, मैं कल शाम 5-5 बजे से बैठा हूं, 8 बजे से पोखरा पहुंचना था और अभी तक गाड़ी नहीं पहुंची, क्योंकि बीच में रोड ब्लॉक हो गया है तो उस वजह से गाड़ी पोखरा नहीं पहुंची अभी। तो बोल रहे कि अभी भी 4 घंटा लगेगा। यार सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा आज का, और अभी पता नहीं कब तक मैं पोखरा पहुँचूँगा, क्योंकि मैंने उधर हॉस्टल भी बुक किया था, जो कि मैंने पे तो नहीं किया था पर बुक किया था, रिजर्व कर दिया था मैंने। और मेरा सुबह 11 बजे का टाइम डाल था कि मैं 11 बजे आ जाऊंगा, बट वो भी कैंसिल हो गया है, मेरे को अभी फिर से बुक करना पड़ेगा तब तक हम पोखरा पहुँचते हैं। और यार सबसे बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा आज का। यार इसमें जो ड्राइवर थे, जो कंडक्टर थे, तो उनको हम पूछ रहे थे कि गाड़ी कितने बजे जाएगी, तो लोग बोल रहे थे पहले कभी 1 घंटा, फिर उन्होंने बोला 2 घंटा, ऐसा ऐसा करके 1-2 घंटा करके वहाँ से गाड़ी निकली सीधा शाम को। अब आप लोग बोलेंगे इसमें ड्राइवर की क्या गलती है, तो उधर ब्लॉक हुआ था रोड, तो सबसे बड़ी गलती है उनकी, वीडियो पूरी देखो समझ में आएगा। गाड़ी 3 घंटे से यहाँ पे खड़ी है, रोड ब्लॉक है तो इसलिए नहीं जा पा रहे। तो मैंने सोचा यार मैं चाय पीने जाऊँ, मेरा मोबाइल सुबह देखा तो पूरा डाउन हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गई, तो मैंने चाय पी और मोबाइल चार्ज पे लगाया। मोबाइल चार्ज पे लगाने के बाद मैं फिर वापस आया, क्योंकि मैं सुबह कैप्चर भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। तो देख सकते हो, तो अभी निकलेंगे यहाँ से सीधा पोखरा। सो गाइस मेरे पास ये भाई है नेपाल से, कहाँ से, पोखरा से। हाँ क्या नाम है आपका? सिबू। सिबू आगे इंडिया गए हो कभी? ना। तो हिंदी कैसे सीखी? टीवी से। अच्छा सीरियल देखिए।
तो यार ये भाई बोल रहे कि मैं यहाँ से बैठता हूँ, एयर चाहिए भाई, मेरे को भी बहुत गर्मी होती है इधर, बहुत हॉट है ना, तो पोखरा में इतनी हॉट है ना? नहीं है, मतलब ठीक है, नॉर्मल। तो रोड ब्लॉक हो रही है, कब तक सही होगा पता नहीं। चलो यार देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है, बहुत गर्मी हो रही है मेरे को भी। तो गाइस ये हमारे सिब्बू भाई आर्मी से, अभी 2-3 महीना आर्मी में हुआ इनको, और इन्होंने हमको दिया है ये बिस्किट जो कि इनको आर्मी में मिलते हैं ना, तो ये भाई ने हमको बोला खा लो, तो हम भी खाएंगे अभी, टेस्ट करेंगे। और काफ़ी अच्छा मिल के बहुत अच्छा लगा भाई से, थैंक यू सो मच ब्रो, वेलकम। और इन्होंने ये जो ऊपर सुअर बांधे हुए ना, ऐसा तो करना नहीं चाहिए यार, बोरी में पैक करके। और तुम लोग पता लग जाएगा ये ड्राइवर ने क्या किया हमारे साथ, सब लोगों के साथ जितने भी इस गाड़ी में थे, कितना बुरा लगा सबको, ये आप लोगों को अभी पता लग जाएगा। गाइस 24 घंटा होने वाला है मेरे को इधर गाड़ी पे बैठे बैठे, सुबह 5-6 बजे गाड़ी मतलब यहाँ पे रुकी हुई है, अभी दिन का 1 बजे, कल मैं 5 बजे बैठा था कल शाम को, तो देख सकते हो आप लोग इतना गर्मी हो रहा ना, कुछ और ऑप्शन तो होना चाहिए, दूसरी रोड होनी चाहिए जाने के लिए, अगर एक ही रोड है तो कैसा होगा फिर, मतलब ऐसे में अगर कोई टूरिस्ट आता है कभी ऐसा वो हो जाए, रोड ब्लॉक हो जाए, तो एक ऑप्शन होना चाहिए साथ में। नेपाली गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ यार, कुछ करो, कुछ ऑप्शन दो, क्योंकि मेन सिटी है तुम्हारा पोखरा और तुम्हारा काठमांडू, दोनों यहीं से जाते हैं, वही रोड से गाड़ी जाता है, तो काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान हो रखे हैं, और मैं भी तो परेशान हो रखा हूँ, मैं इतने दूर से, आज के दिन मेरा वेस्ट चला गया। मैं सोचा था मैं सुबह 8-9 बजे पहुँचूंगा, तो 10-11 बजे मैं वहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा एक्सप्लोर करने के लिए पोखरा में, तो अभी तो 1:30 तो बज गए यहाँ, और अभी यहाँ जाते जाते रात पड़ जाएगी, मतलब 6-7 बज जाएगी, तो यार मेरा आज का दिन वेस्ट चला गया और बहुत ही बेकार फील हो रहा करे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नेपाली गवर्नमेंट से, कुछ करो, कुछ बनाओ यार, दूसरा ऑप्शन कुछ दो, रोड कुछ बनाओ दूसरी साइड में, मतलब जो मेन सिटी उधर का तो होना चाहिए। और अभी तो इधर से फ्लाइट में भी जा सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी टिकट काट रखा है, तो ये गाड़ी छोड़ के तो जा नहीं सकते भाई, 1800 का टिकट है नेपाल का, तो जाना पड़ेगा जब भी जाएगी, बट बहुत डिसअपॉइंट है, बहुत क्या बताऊँ, बहुत ये वाला जर्नी मेरा बहुत बेकार है, आज मेरा नेपाल में 3रा दिन है और ये जर्नी मेरा बहुत बहुत बेकार रहा यार, और ऊपर से गाड़ी का फैन भी नहीं चल रहा, इतना गर्मी है भाई, आप लोग देख सकते पसीना पसीना हो रहा है पूरा। तो चलो यार कब तक पहुँचाती है दिखाते आप लोगों को। और हमारे भाई भी यहाँ पे बैठे हुए कब से, तो कैसा लग रहा था तब से बैठ बैठ के, बोरिंग लग रहा था, बहुत गर्मी हो रही ना। तो गाइस आज 3रा दिन था और ये दिन बहुत ख़राब गया, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा अभी तक का। तो यार अब क्या हुआ, जो उन्होंने ऊपर सुअर बांधे थे ना, वो नीचे टॉयलेट करने लग गए और साथ में लैटिंग भी कर रहे थे सुअर। और यार इतनी गंदा रही थी ना, इतनी गंदा रही थी, वहाँ पे कोई बैठ नहीं सकता था, तो सब लोग इतना गुस्से में हो गए थे। ये भाई जो बाहर बात कर रहे हैं ना, ये फैमिली है पूरी, 8-9 लोगों की फैमिली है, तो ये बोल रहे कि हमें इस गाड़ी पे जाने ही नहीं चाहिए कुछ भी हो, क्योंकि इतनी स्मेल आ रही थी यार। मैं खुद बोल रहा हूँ मैं भी नहीं बैठ पाता वहाँ पर मजबूरी थी, मैं वहाँ पर रहा, टिकट के पैसे दे रहे थे, मैं थोड़ी उतर सकता बीच में, तो उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे, हमें इधर उतार दो। और ये इन्होंने वीडियो भी बनाई और बोला कि यहाँ पे मर जाएंगे अगर कोई इधर अंदर रहेगा, तो सच में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी गाइस। और हमने खिड़की बंद करके रखा था, फिर भी इतनी स्मेल आ रही थी ना, खिड़की बंद भी कर रखी थी ऊपर से, एक गर्मी ऊपर अंदर से हमने खिड़की बंद कर ली, तो बताओ कैसा कितना गंदा स्मेल आएगा। लोगों को इतना ख्याल तो रखना चाहिए यार कि हाइजीनिक भी एक चीज़ होती है, साफ सफाई एक चीज़ होती है, वो तो रखना चाहिए। और गाइस ये जो शीशे में निशान देख रहे ना आप, लंबे लंबे निशान, ये सब उसका टॉयलेट है सुअर का। यार इस टाइम मेरे पास इतनी प्रॉब्लम सामने आ गई थी ना, इतनी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, मैं अपने अंदर ये सोच रहा था यार मैं तो घूमने आया था इधर, और मेरे साथ अभी ये हो रहा है, तो आगे क्या होगा, मतलब मैं एक किस्म से डीमोटिवेट होने वाला था, डीमोटिवेट हो रहा था मैं अंदर से, बहुत ज़्यादा उधर गर्मी भी लग रही थी। फिर मैंने सोचा यार चलो आगे क्या पता कुछ अच्छा हो जाए।
और गाइस इतना बड़ा जाम लगा था ना, ये सामने देख रहे हो आप, सामने जो गाड़ी दिख रही है सामने, सीधा देखो जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, इतना लंबा जाम था ना इधर, हम बहुत लंबे तक फंसे रहे यार। यार अगर आप लोग नेपाल विजिट करते हो कोई भी, तो ऐसे कहीं बाई बस जाना चाहते तो प्लीज़ आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग या तो एसी बस को बुक करें, लग्जरी बस, अगर इनमें से कोई करने तो प्लीज़ देख के करिए और पता करिए कि रास्ता सही है कि नहीं है। और यार अब अराउंड रात के 11:30 तो हो गए थे और मेरे को कम से कम 30 घंटा हो गया था गाड़ी में, तो उसके बाद मेरा बैटरी लो हुआ था और मेरा बैटरी लो होने के बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। सो गाइस सबसे बेकार और सबसे लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना गंदा ट्रिप रहा था मेरा, फर्स्ट टाइम बहुत गंदा रहा यार, मैं क्या बताऊँ, ये नेपाल में फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा रहा। मेरे को आज नेपाल में तीसरा दिन था, तो मैं वहाँ से आप लोगों को बताया कि कल मैं 5 बजे बैठा था परसों शाम को, तो 5 बजे बैठने के बाद मेरा गाड़ी वहाँ से निकला चाराली से, फिर पहुँचा भरतपुर, और भरतपुर में देखा कि वहाँ बोला आगे रोड ब्लॉक हो रही तो आगे नहीं जा सकती, तो वहाँ से थोड़ा रुके बोला 1 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा 3 घंटा लगेगा, तो बाद में वहाँ से गाड़ी निकली रात को सीधा 4-5 बजे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया 4-5 बजे गाड़ी निकली। मेरे को 24 आवर तो 5 बजे हो गया था, ठीक है 24 आवर 5 बजे हो गया था, उसमें काफ़ी सारे लोग आए और सब लोग ही परेशान थे यार, सब ने आना था पोखरा, कोई काठमांडू वाले पोखरा, क्योंकि एक ही रोड थी जो काठमांडू और पोखरा जाती है, तो मैंने सोचा यार कि मैं इनका सब प्रॉब्लम में है तो चलो मैं भी झेलता हूँ, मैं भी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ, ऊपर उन्होंने सुअर है ना, सुअर को बोरी में पैक करके छत के ऊपर रख दिया, हमारी गाड़ी के छत के ऊपर, तो गाड़ी के छत के ऊपर रख दिया ठीक है, तो कुछ टाइम बाद सुअर ने टॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया, मूतना चालू कर दिया गाड़ी में, तो गाड़ी के चारों तरफ शीशों में टॉयलेट निकलने लग गया, और गर्मी में भाई साहब क्या बताऊँ यार, आप 38 डिग्री गर्मी था उधर उस टाइम, इतना गर्मी लग रहा था ना, इतना गर्मी, और फिर हमने शीशा बंद किया, इतनी स्मेल, और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग गुस्से में बोलने लगी ड्राइवर को, नहीं हमको दूसरी गाड़ी में भेजो, हमें नहीं जाना है, जो कि मेरे को इतना गुस्सा आया ना, तो मैं सोचा यार ये मेरा लाइफ का फर्स्ट बेकार ट्रिप रहा है, तो कोई बात नहीं आगे जाके क्या होता देखेंगे। तो फिर वहाँ से गाड़ी निकली तो 5 बजे वहाँ से गाड़ी निकली, और 2-3 घंटे तक ट्रैफिक रहा, 2-3 घंटे बाद हमारी गाड़ी वहाँ से अच्छे से निकली, मतलब ट्रैफिक हट गया था, इतना बड़ा ट्रैफिक लगा था, तो इतना स्मेल आ रहा था, तो हमने खिड़की बंद करके रखी और इतना गर्मी हो रहा था अंदर, मतलब वो मैं फील कर सकती हूँ कि मेरे को कैसा लगा वहाँ पे, और वो लोग फील कर सकते हैं जिन्होंने वो ट्रिप किया वो गाड़ी पे। तो कुछ लोग तो दूसरी गाड़ी में निकल गए थे, मैं नहीं निकल सकती क्योंकि मैंने 1800 का टिकट काट रखा था ऑलरेडी, तो मेरा पैसा वेस्ट चला जाता, इसलिए मैं उसी में ट्रिप किया। और गाइस परसों शाम को 4-5 बजे गाड़ी में बैठा था, और कल रात को 12:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा, और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, जैसे हमारी गाड़ी रुकी ना पृथ्वी चौक में, यहाँ पोखरा में, तो पृथ्वी चौक में गाड़ी रुकी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते, होटल चाहिए, गाड़ी चाहिए, मतलब जैसे हर जगह होता है, टैक्सी वाले, होटल वाले कार्ड लेके आते कि होटल चाहिए आपको, क्या चाहिए, तो यार मैंने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैंने होटल बुक कर रखा था हॉस्टल, तो मेरा कैंसिल हो गया था, टाइम से ज़्यादा टाइम हो गया तो इसलिए नहीं, और 2 बार बुक किया, 2 बार टाइम कैंसिल हो गया था वो, तो भाई ने बोला चाहिए, मन का नहीं 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 चाहिए, बोला कितने का, बोला 600 रुपये नेपाली करेंसी में, तो मैंने बोला यार 400 में तो मेरे को मिल रहा था, मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं दूसरा देख रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद वो घूमा, उसको कोई मिला नहीं, तो उसने बोला ठीक है आप 400 भी दे देना बोला, और फिलहाल मैंने कहा ठीक है। तो यार इतना गंदा एक्सपीरियंस मेरा कभी नहीं रहा जितना गंदा एक्सपीरियंस मेरा इधर रहा चाराली से पोखरा में, तो मेरे को थोड़ा उन लोगों को हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए था, ऐसे में आदमी बीमार पड़ सकते, ऊपर से सुअर मूत्र नीचे लोग बैठे हुए, तो यार बच्चे भी थे वो गाड़ी में, बच्चे भी थे तो बच्चों को भी काफ़ी परेशानी हुई है। और इसके बाद मेरे को होटल मिला जब मैं यहाँ आया, तो मैं रात को फ़ोन चार्ज किया और मैं सो गया था, क्योंकि मेरा बैटरी, फ़ोन का बैटरी पूरा लो था। तो कुछ इस तरह यार ये वाला ट्रिप का कहानी, और अभी हम पोखरा में आ गए, तो आप उम्मीद करता हूँ मैं बहुत ही अच्छा ब्लॉग यहाँ कर लाऊँगा आप लोगों के लिए, और काफ़ी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लोर करूँगा। बस
ये जो हो गया वो भूल जाओ और नेक्स्ट हम ट्रिप स्टार्ट करते हैं। टाटा बाय बाय।